क्या आपको पता है YouTube एंड स्क्रीन क्या होता है? अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपने YouTube चैनल में या YouTube वीडियोस में कैसे एंड स्क्रीन लगा सकते हैं और अपने YouTube चैनल को कैसे प्रमोट कर सकते हैं एंड स्क्रीन के जरिए। तो बहुत सारे जो नए यूट्यूबर्स हैं, नए बिगिनियर्स हैं, जो यूट्यूब पे आना चाहते हैं या जो आ गए हैं, उनको ये नहीं पता होता है कि अपने वीडियो के एंड में कैसे एंड स्क्रीन लगाते हैं या अपने वीडियोस कैसे प्रमोट करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मेरा नाम है विनीत और आज मैं आपको इसी एंड स्क्रीन के बारे में बताने वाला हूँ। हम चले जाते हैं अपने क्रोम ब्राउजर में। क्रोम ब्राउजर में जाने के बाद हमको यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल में जाना है। तो बहुत लोगों को ये भी नहीं पता है कि एंड स्क्रीन काम कैसे करता है या होता कैसे है, तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि एंड स्क्रीन क्या होता है। मैं यूट्यूब चैनल में जाता हूँ। देखिए ये मेरा YouTube चैनल है, तो यहाँ पे देखिए मेरे कुछ वीडियोस हैं, तो मैंने अपने हर एक वीडियो में अपने एंड स्क्रीन लगाया है। तो चलिए मैं आपको एक वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ कि एंड स्क्रीन होता क्या है और वो कैसे काम करता है। तो जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं मैं अपने वीडियो को प्ले कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरा वीडियो प्ले हो रहा है, तो चलिए मैं आपको लास्ट में जाके दिखा देता हूँ कि एंड स्क्रीन होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे मेरा वीडियो चल रहा है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। देखिए ये लास्ट के कुछ सेकंड्स के पहले या कुछ मिनट्स के पहले, जो भी आप टाइम सेट करेंगे, उसके पहले आपको एक अलग पॉपअप दिखाई देने लगेगा कि आपको इसके बाद कौन सा वीडियो देखना है, इससे रिलेटेड वीडियो आपको कौन से लास्ट में मिल जाएंगे। और यहाँ पे देखिए आपको आपका जो भी लोगो है, सिंबल का लोगो है, आप उसे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, आप लास्ट में अपना लोगो डाल सकते हैं। वह डिपेंड करता है आपके टेम्पलेट्स के ऊपर। मैं आपको दिखाऊंगा कि आप YouTube एंड स्क्रीन में आप अपना टेम्पलेट्स कैसे डाल सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, आपको जाना है अपने YouTube चैनल में। देखिए यहाँ पे मैं गया अपने योर चैनल में। YouTube चैनल में जाने के बाद देखिए यहाँ पे आपको जाना है यहाँ पे YouTube स्टूडियो बीटा में। YouTube स्टूडियो बीटा में आने के बाद देखिए आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे डैशबोर्ड का इंटरफेस दिख रहा है आपको, लेकिन आपको यहाँ डैशबोर्ड के नीचे लेफ्ट साइड में आपको देखिए एक वीडियो का ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक करना है। ये आपको पूरा वीडियोस दिखा देगा कि आपके YouTube चैनल में कितने वीडियोस हैं, क्या व्यूज है, कितने लाइक्स हैं, पब्लिक है कि क्या है, आपको पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिखाई देगा। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट वीडियो है उसमें मुझे अपना एंड स्क्रीन अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट वीडियो के ऊपर क्लिक करूँगा। फर्स्ट वीडियो के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए मैं यहाँ पे अपने YouTube चैनल का जो भी वीडियोस के बारे में जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए राइट साइड में आपको लास्ट में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, प्ले लिस्ट है, यहाँ पे विजिबिलिटी है, प्ले लिस्ट है, कार्ड्स है और एंड स्क्रीन है। तो आपको देखिए यहाँ पे ये एंड स्क्रीन के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे एंड स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक नया टैब खोल देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पे YouTube में। तो देखिए हमारा YouTube का नया टैब खुल गया है और यहाँ पे देखिए मेरा वीडियो प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए मेरा डिफॉल्ट ये जो भी डिफॉल्ट टेम्पलेट है यहाँ पे ऐड किया हुआ है, जहाँ पे देख पा रहे हैं मेरा एक वीडियो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है और मेरा सिंबल और सब्सक्राइबर का बटन यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। अगर आप चाहें तो दूसरे, अगर आप मान लीजिए इससे रिलेटेड कोई 4-5 वीडियोस है या 6 वीडियोस है, तो आप उससे भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको यूज टेम्पलेट्स, आपको किस तरह दिखाना है अपने वीडियो को या अपने चैनल को। देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। देखिए यहाँ पे एक प्लेलिस्ट है या एक सब्सक्राइबर का ये लोगो आप डाल सकते हैं इसमें। यहाँ पे देखिए दो प्लेलिस्ट है, दो प्लेलिस्ट के नीचे आएंगे तो दो प्लेलिस्ट के साथ आपको और एक सब्सक्राइबर बटन मिल जाएगा। तो आप ऐसे जैसे नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारा आखिरी में है, आप चाहें तो अपने वीडियो के एंड्स में आप 4 प्लेलिस्ट डाल सकते हैं अपना। तो देखिए यहाँ पे आपको जो भी प्लेलिस्ट यहाँ पे दिखाना है, तो देखिए यहाँ पे मेरे यूट्यूब में जो भी वीडियोस है मैं उसे डालना चाहता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे मैं अपने इस वीडियो को दिखाना चाहता हूँ लास्ट में जो एंड स्क्रीन है, तो यहाँ पे देखिए मैं इस वीडियो का यहाँ पे ऑप्शन दिखा दूंगा। अगर आप चाहें तो देखिए जो भी आपका बेस्ट फॉर व्यूअर्स है, मतलब जो भी आपका ज़्यादा व्यूज़ हुआ है, आप उसे भी दिखा सकते हैं। या मोस्ट रिसेंटली अपडेटेड, मतलब आप जो लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं, जो आपका नया वीडियो होगा आप उसे भी दिखा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना कोई भी एक वीडियो जो मुझे इससे रिलेटेड वीडियोस हूँ मैं उसे क्लिक करता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए मेरा HDFC बैंक का एक वीडियो है, मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद देखिए यहाँ पे ऐड हो गया है। अगर आप चाहें तो आप इसे प्ले करके भी देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको प्रीव्यू, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे प्ले हिट का जो बार है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि मतलब ये एंड में कैसे काम करेगा। तो ये सब करने के बाद आपको जस्ट ऊपर जाके यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे सेविंग का दिखा रहा है, तो ऑल चेंजेस सेव। अब जैसे ही यहाँ पे
पूरा सेव हो जाएगा, बस आपको रिटर्न टू यूट्यूब स्टूडियो पर क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे फिर हम अपने चैनल के डैशबोर्ड में आ गए हैं, यूट्यूब चैनल के डैशबोर्ड में। तो आपका जो भी इस वीडियो में आप एंड स्क्रीन ऐड करना चाहते हैं ऐड हो गया है। ये रहा हमारा आज का वीडियो, जहाँ मैं आपको बता चुका हूँ कि आप अपने एंड स्क्रीन कैसे ऐड कर सकते हैं। और ऐसे यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और जितना हो सके इसे लाइक करें ताकि ये आप जैसे नए यूट्यूबर्स के पास मेरा वीडियो पहुंच पाए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेरी है या कोई और भी आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।